नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा जो कि हिंदी कक्षा पांचवी सुलभ भारती जो कि आपने पहले वीडियो में देखा था कि हमने जो बूंदे कविता है वो कविता हमने सबसे पहले देखी थी। तो आज हम एक सुंदर सी कहानी देखेंगे जो कहानी बहुत सुंदर है। इसके पहले सबसे पहले मैं आपको जो कहानी है वो कहानियों का नाम मैं सुनाने जा रहा हूँ। योग्य चुनाव, चुनाव आपको पता है, चुनाव मैंने जैसे कि यहाँ मैंने कुछ वर्ड दिए है वो सबसे पहले जो शब्दार्थ है वो मैं सबसे पहले बताऊंगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो चुनाव का मतलब क्या है। तो शुरुआत करते हैं हम शब्दार्थ से। चुनाव यानी चुनने की क्रिया, चयन। जैसे कि आप इलेक्शन में जिस प्रकार के जो इलेक्शन होते हैं और जिसमें एक उम्मीदवार आप जाहिर करते हो जो कि लोगों के बीचों में, तो उसी प्रकार वह उसे चुनाव कहा जाता है। उसके बाद अगला है वर्ष, बूढ़ा यानी वृद्ध। उसके बाद स्वयं यानी खुद, सेवामुक्त यानी जो सेवा कर या कारोबार से अलग हो चुका हो उसे हम सेवामुक्त कहते हैं। उसके बाद विनती, विनती यानी प्रार्थना निवेदन। उसके बाद सेवाभावी, सेवा करने वाला। उसके बाद परोपकारी, दूसरों की भलाई करने वाला। जो अगला वर्ष है ढिंढोरा, वह ढोल जिसे बजाकर किसी बात की सूचना दी जाती है। आपको तो पता है राजा महाराजाओं के समय जो सूचना, जो कि बड़ा सा राज्य होता है वह राज्य को कभी सूचना देनी हो तो ढिंढोरा, जो कि हर कार्य, क्योंकि उसे जो वहां पर दूध जाता है और वहां पर ढोल बजाकर सुनो 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 इस प्रकार का जो ढिंढोरा है तो ढिंढोरा सारे के सारे दरबार में वहां पर सूचना दी जाती है। उसके बाद नवयुवक, नवयुवक यानी तरुण युवक। उसके बाद हताश यानी नाराज, सहायता यानी मदद। ये योग्य चुनाव में, योग्य चुनाव में आने वाले मुश्किल वर्ष है। आप कहोगे योग्य चुनाव का मतलब क्या है, तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे कि हमारे यहाँ भी इलेक्शन होते हैं, जब इलेक्शन होता है तो हम जो अच्छा उम्मीदवार हो जो कि हमारे गांव शहर, जैसे कि गांव में देखा जाए ग्राम पंचायत इलेक्शन होते हैं, उसके बाद शहरों में देखा जाए जो तालुकों में, तो वहां पर भी इलेक्शन होते हैं जो कि वहां पर आप देखा जाए आमदार होता है। उसके बाद जो कि जिलों के लिए देखा जाए तो वहां पर खासदार होता है, तो इलेक्शन होते हैं। लेकिन हम ऐसे ही उम्मीदवार को चुनकर देते हैं जो हमारे शहर की जो भलाई है या शहर में जो तरह तरह के योजनाएं वो लाकर उसे अच्छा, या वहाँ की जो जनता है, वहाँ का जो लोग है, वह लोगों को सेवा करने का उन्हें हम मौका देते हैं और वह अच्छी की अच्छी सेवा वहाँ पर दी जाएगी। ऐसा वह जो हमने चुन कर दिए हैं जो कि जैसे कि खासदार हो, आमदार हो या आपका सरपंच हो गांव में, वह हम उन्हें चुन कर देते हैं और वह हमारे गांव की हो, शहर की हो या जो जिला होता है, डिवीजन होता है, उसकी वह क्या करे, देखभाल करे, अच्छे से लोगों की सहायता करे। इसका मतलब हम उन्हें चुन कर इसीलिए देते हैं कि वह अच्छे है। देखिए जैसे कि हम आपको तो पता है उम्मीदवार के लिए बहुत सारे उम्मीदवार भी खड़े होते हैं, और उम्मीदवार खड़े होने के बाद हम उनमें से जैसे कि 10 हो या 15 हो या 22 हो या 23 हो, तो उनमें से हम एक ही व्यक्ति को हम चुन कर देते हैं जो कि हमारे शहर या गांव या डिवीजन की वह रक्षा करता है, उन्हें हम चुन कर देते हैं या किसी को भी नहीं। तो इसी प्रकार का ये योग्य चुनाव है। ये जो कहानी है बहुत सुंदर सी कहानी है, और ये कहानियों में आपको चुनाव जो कि किस प्रकार का होता है तो यहाँ का सारा जो कहानियों में एक सुंदर सा एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम आज कहानी को प्रारंभ करेंगे योग्य चुनाव। योग्य चुनाव हम जब भी ये देख रहे हैं, सबसे पहले मैं बता दूं जो कि बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। आपको तो पता है पुराने इसमें राजा या महाराजे रहते थे, कौन रहते थे, राजा या महाराजे रहते थे छात्रों। तो राजा महाराजाओं में आपको तो पता है एक राजा होता है, उसके बाद मंत्री होते हैं, उसके बाद वहां पर जो कि सैनिक होते हैं, घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, बड़े बड़े राज दरबार होते हैं, ये सारा का सारा मतलब इसी प्रकार की बहुत पुरानी कहानी है। देखिए एक बड़ा सा राज्य था और वह राज्य का राजा मंगलसेन था। कौन था, राजा मंगलसेन, ये है राजा। देखिए मंगलसेन नाम का एक राजा था,
जो राजा जो कि सारा का सारा राजा आपको पता है, पहले जैसे कि अभी मंत्री और पुराने काल में राजा, सबके सब सारा का सारा राज्य उसके संदेश या उसकी सूचनाओं पर चलता था। और उसी प्रकार ये मंगलसेन नाम का एक राजा था और उसके दरबार में एक मंत्री था, उसका नाम था जगत राम। क्या नाम था उसका? जगत राम। ये है मंत्री। कौन है? मंत्री। देखिए राजा का नाम मंगलसेन और जो मंत्री है वो मंत्रियों का नाम है जगत राम। देखिए राजा मंगलसेन और उसके दरबार में जगत राम नाम का एक मंत्री था और वो सारा का सारा कारोबार वो संभालता था। तो देखिए एक दिन जगत राम अपने राजा के पास चला जाता है। कौन? मंत्री जगत राम राजा के पास चला जाता है। हुजूर, किसे कहता है वह? जगत राम जो कि मंत्री है, जो राज्य है वह राज्य का जगत राम मंत्री है और वह राज्य के राजा मंगलसेन है। तो जगत राम अपने राजा के पास जाता है दरबार में और राजा साहब से कहते हैं, हुजूर मुझे जो मंत्री पद है मेरे पास, वह मंत्री पद से मुझे सेवा मुक्त कर दो। किसने कहा? किसने किससे कहा ऐसा आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो किसने किससे कहा? देखिए जगत राम ने राजा से कहा कि मुझे ये पद से सेवा मुक्त कर दो। सेवा मुक्त करना यहाँ पर दिया है मैंने। देखिए सेवा मुक्त करना, जो सेवा आप कर रहे हो वह सेवाओं से आपको रिटायर, एक शॉर्टकट जो कि हम उसे रिटायर कहते हैं, जो कि मुझे ये पद से रिटायर पद दीजिए, ऐसा किसने कहा? राज जो कि जगत राम जो मंत्री है वो मंत्री ने मंगलसेन अपने राजा से कहा कि मुझे रिटायर कर दो, मुझे ये सेवा से मुक्त कर दो, ऐसा मंत्री ने मंगलसेन अपने राजा से कहा। तब राजा ने जगत राम से क्या कहा? राजा ने अपने मंत्री से क्या कहा? मंत्री से कहा कि आपको आपके जैसा कि आप में जिस प्रकार के गुण है उसी प्रकार से जो मंत्री है वो मंत्री का मुझे चुनाव कर दीजिए। आपके जैसे कितने गुण है आप में? जगत राम में कौन से गुण थे? तो उनमें एक था सेवाभावी, नंबर दो परोपकारी और तीसरा ईमानदार। ये तीन गुण थे किसमें? जगत राम में। तब राजा ने कहा आप में जैसे गुण है जैसे कि सेवाभावी यानी सेवा करने वाला व्यक्ति, आप सारे के सारे जनताओं की जो प्रजा है हमारी तो प्रजाओं के आप रक्षण करते हो। उसके बाद परोपकारी यानी देखिए यहाँ पर दिया है परोपकारी, दूसरों की भलाई करने वाला। देखिए जगत राम में कौन कौन से गुण है? सेवाभावी दूसरों की सेवा करने वाला, परोपकारी दूसरों की भलाई करने वाला और तीसरा है ईमानदार। तीसरा कौन सा है? ईमान। इतने गुण किसके अंदर है? जो मंत्री है जगत राम उनमें इतने तीन गुण थे। इसी प्रकार के गुण मुझे जो भी हमारे राज्य में जितने भी प्रजा है वो प्रजाओं में एक चुनाव रख दो। क्या कर दो? एक चुनाव रख दो और उनमें से ये तीन गुण होना बहुत जरूरी है और तभी मैं आपको सेवा मुक्त कर दूंगा। ऐसा किसने किससे कहा? राजा ने जगत राम से कहा। राजा ने अपने मंत्री जगत राम से कहा तभी आपको मैं सेवा मुक्त कर दूंगा। आपका जो पद है मंत्री पद वो पद से मैं आपको हटाऊंगा और नए मंत्रियों की मैं जो नया मंत्री है वो मंत्री मुझे ला कर दो तभी आपको सेवा मुक्त किया जाएगा। ऐसा राजा ने अपने मंत्री जगत राम से कहा। तभी उसी समय जगत राम अपने सारे के सारे जो राज्य है वो राज्यों में ढिंढोरा पिटवा देते। ढिंढोरा आपको तो पता है पुराने राजा महाराजाओं के काल में ढिंढोरा पिटवाना यानी एक जो दूत होता है वो दूत जो कि बड़ा सा ढोल होता है और वो बजाकर सुनो भाइयों सुनो इसी प्रकार के ढिंढोरा और जो सूचना है वो सूचना दी जाती है। तो वो दूत और जब मंत्री ने सारे के सारे अपने राज्यों में ढिंढोरा पिटवा दिए कि आने वाले गुरुवार के दिन आने वाले
गुरुवार के दिन 11 बजे हमारे राज्य दरबार में चुनाव होने वाला है, चयन होने वाला है। क्या होने वाला है? चुनाव। कौन से दिन? गुरुवार के दिन। कितने बजे? तो 11 बजे चुनाव होने वाला है सारे के सारे राज्यों के ढिंडोरा पिटवा दिए। उसके बाद अगले दिन जो कि चयन या चुनाव के दिन सारे के सारे जो भी नवयुवक है, जो वहां की जो भी प्रजा है, वो प्रजा में जो मंत्री पद के लिए मुझे मंत्री बनना है, इसीलिए जो दरबार का जो रास्ता है वह रास्तों पर बड़ी भीड़ लगी हुई सुबह सुबह, जो कि सुबह 9-10 बजे से चालू हो गए, क्योंकि आपको पता है कितने बजे था चुनाव? 11 बजे। तो वह राज्य दरबार की जो रास्ता है वह रास्तों पर नवयुवकों की भीड़ लगी हुई थी। उसी रास्तों पर जो राज्य दरबार की ओर जा रहा है जो रास्ता है, वह रास्तों पे जो या रास्तों के बाजू में ही या रास्तों के साइड को ही, आपको तो पता है जो रास्ता होता है रास्तों के दोनों साइड को बड़े बड़े पेड़ होते हैं और पेड़ और कुछ जो कि कीचड़ वीचड़ हुआ होता है। तो राज्य दरबार की ओर जाने वाला जो रास्ता है वह रास्तों पर बहुत सारे जो नवयुवक है, जो वहां की प्रजाओं की जो जितनी भी प्रजा है वो प्रजाओं में जो जिन्हें लगता है मुझे मंत्री बनना है, वो सारे के सारे सुबह से ही भीड़ लगी हुई थी राज्य दरबार की ओर जाने में। और उसी रास्तों के साइड को या बाजू में ही एक वृद्ध था, एक बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा यानी यहाँ पर दिया है, देखिए बूढ़ा यानी वृद्ध, एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी बैलगाड़ी बताया आपको, एक बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ में फंसता है। किसका? एक वृद्ध का। आप वह कई बार निकालने की कोशिश करता है लेकिन वह असफल रहता है। वो कितनी बार कोशिश की तो भी वह असफल। लेकिन जो राज दरबार की ओर जाने वाली जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति या जो प्रजा है, जो नवयुवक है, वह ये देखकर न देखकर वह सीधा के सीधा अपने राज दरबार की ओर चले जाते हैं। लेकिन कोई वह वृद्ध के ओर या वृद्ध के पास देखते हैं लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं करता है और सीधे के सीधे वह अपने राज दरबार के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुवार के दिन चुनाव होने वाला है और चुनाव जो कि 11 बजे होने वाला है, इसीलिए वो सारे के सारे राज दरबार में चले जाते। उसी समय एक नवयुवक जो कि कर्मवीर, जो कि प्रतापशाली थे, वह उसका नाम कर्मवीर, और वह भी उसे देर हो चुकी थी और वह भी जल्दी जल्दी वो राज दरबार की ओर जा रहा था, तभी उसी में उसकी नजर वह वृद्ध के पास चली जाती है। और उसी समय वह वृद्ध कीचड़ बताया आपको, जो कि कीचड़ से वो पया उठाने की कोशिश कर रहा था और ये सारा का सारा दृश्य कर्मवीर देखता है, नवयुवक तरुण ये कर्मवीर देखता है। और वह जो कि राज दरबार में जो समय हो रहा था, जो चुनाव होने वाला था, उसकी चिंता न करते हुए सीधा वह वृद्ध के पास पहुंचता है और वृद्ध के पास पहुंचकर वह वृद्ध की सहायता करता है। और वह जो पहिया है, वो पहिया सारा का सारा जो बैलगाड़ी का जो पहिया है, वो पहिया उठाकर वह साइड को रख देता है। और उसी समय वह वृद्ध उन्हें धन्यवाद देता है। तो छात्र देखिए, हमने जो कहानी देखी है वह कहानियों में हम यहाँ पर रुकेंगे। क्यों? क्योंकि जो अगली जो कहानी की जो ट्विस्ट है वह अगले भाग में, अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। जितनी भी आज हमने जो कि कर्मवीर ने बैलगाड़ी का पहिया निकाला, यहाँ तक हम रुकेंगे। तो देखिए, कल आपको ये सारे के सारे जो शब्दार्थ मैंने यहाँ पर दिए है ये आपको दोहराने हैं बार बार। उसके बाद आपको जो पहली, मुझे तो ऐसा है पता भी है कि आपने जो पहली जो कि हमने पहली जो कविता देखी है, मुझे सारे के सारे छात्रों ने देखी है, तो तब भी वो वीडियो आपने कभी आपके पिताजी को कहिए वो वीडियो निकाले और मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, या कमेंट कुछ सवाल भी पूछे थे वो सवाल भी के कमेंट मुझे आप भेज सकते हो। तो हम यहाँ तक रुकेंगे छात्रों। और ये सारे के सारे जो कहानी आपको फिर से पढ़नी है, किताब में आप पढ़ सकते हो पूरी की पूरी कहानी और आपको आसान जाएगी ये कहानी। तो हम यहाँ पर रुकेंगे, तो इसीलिए अगली जो वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।